हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में फेमस क्रिटिक के आरके से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, के आरके एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि के आरके अक्सर आए दिन सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर कुछ न कुछ ट्वीट करते रहते हैं, वहीं एक बार फिर के आरके ने सलमान खान की फिल्म को लेकर उसके कलेक्शन को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसके चलते ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। ईद के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म का फैंस के बीच अच्छा क्रेज देखने को मिल रहा है। पहले दिन भले ही फिल्म की शुरुआत अच्छी ना रही हो, लेकिन ईद और रविवार की छुट्टी का फिल्म को पूरा फायदा हुआ है। तो वही फिल्म को चौथे दिन ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला है। फराज सामजी द्वारा निर्देशित इस फिल्म का कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है। इसी को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने सलमान खान पर निशाना साधा है। उन्होंने फिल्म के कलेक्शन को लेकर दबंग खान का जमकर मजाक उड़ाया है, जिसके चलते वो सुर्खियों में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बुढ़ाऊ ने पठान के एंड में बॉलीवुड के सभी एक्टर्स का मजाक बनाया था कि कोई हिट फिल्म नहीं दे पाएगा, सिवाय उसके अरे बुढ़ाऊ भैया, आप खुद ही अब जिंदगी में कोई हिट फिल्म नहीं दे पाओगे। हम जिसके पीछे लग जाते हैं उसके लाइफ बना देते हैं, आपकी भी बना दी है। और फिर क्या था, सोशल मीडिया पर केआरके के इस ट्वीट को लेकर जमकर चर्चाएं होने लगी। ऑडियंस तरह तरह के रिएक्शन देने लगे। वहीं हम आपको बताते चले तो यह पहली बार नहीं है जब केआरके ने सलमान खान को बुढ़ाऊ कहकर उनका मजाक उड़ाया हो। इससे पहले भी केआरके ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि बुढ़ाऊ पागल हो गए हैं, ये बोल रहे हैं कि आप लोग मेहनत करो, पैसे कमाओ और मेरी पिक्चर देखो। अरे बुढ़ाऊ, हम मेहनत के पैसों से तुम्हारी फिल्म क्यों देखें, तुम मूवी को यूट्यूब पर ही रिलीज कर दो ना, जनता को फ्री में दिखाकर ईदी दे दो। कितने सालों से पब्लिक को एक से बढ़कर एक घटिया फिल्म दिखाकर लूटा है तुमने। हालांकि उस समय भी केआरके के इस ट्वीट को लेकर केआरके को बहुत ट्रोल किया गया था, लेकिन हाँ, जहां एक तरफ ऑडियंस केआरके के इस ट्वीट को लेकर काफी नाराज हुई थी, तो ऑडियंस एक तरफ इनके इस ट्वीट को लेकर सहमत भी थी। वहीं हम आपको बताते चले तो केआरके आए दिन कोई ना कोई ट्वीट करते रहते हैं, जिससे विवाद खड़ा होता रहता है। हालांकि केआरके को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फर्क नहीं पड़ता है और आए दिन बॉलीवुड स्लैब्स को लेकर वो निशाना साधते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, केआरके के इस ट्वीट से आप कितना सहमत है और केआरके के इस ट्वीट के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।